प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं सुनील गुप्ता सूर्यावली स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6, 7, 8, 9 के लिए हिंदी व्याकरण में संज्ञा का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब परिवर्तन हो जाना, लिंग वचन काल प्रकार के प्रभाव से। अब आप बच्चे सोच रहे हो किस तरह से परिवर्तन होना। जैसे लड़का शब्द है, अब इसका लिंग बदलते हैं, लड़का से क्या लगेगा, लड़की, वचन बदलते हैं लड़की, इस तरह से हुआ ये विकारी शब्द संज्ञा। परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी गुण भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके बारे में एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी गुण भाव क्या होते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम, जैसे सचिन रमेश, किसी भी व्यक्ति का नाम इसमें मेंशन कर सकते। वस्तुओं के नाम, जैसे कलम बोर्ड पंखा, जैसे मेरे हाथ में छोप है, ये भी एक वस्तु है। किसी भी वस्तु का नाम इसमें आप मेंशन कर सकते। नेक्स्ट है स्थानों के नाम, जैसे आगरा पंजाब, इसमें देशों के नाम भी आप मेंशन कर सकते हैं। छोटे बड़े शहरों के नाम भी इसमें आप मेंशन कर सकते। आगे प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम में आप छोटे बड़े कीट पतंगों से लेकर के बड़े बड़े जानवरों के नाम इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे तितली घोड़ा बंदर भालू। नेक्स्ट है गुणों के नाम। अब गुण आपको पता है अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जैसे ईमानदारी सच्चाई बेईमानी। नेक्स्ट है भावों के नाम। भाव भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी और बुरे भी होते हैं, जैसे दया करुणा क्रोध। मैं ये दया करते हैं शेड वाले दया सब कुछ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारे हृदय में किसी के प्रति जो भाव पैदा होते हैं वो ये दया। आइए बच्चों अब संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों संज्ञा के? तीन भेद होते हैं। ऊपर से संदेही वाचक संज्ञा, नंबर दो धातुवाचक संज्ञा, नंबर तीन भाववाचक। अब कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और भी मानते हैं। कौन से हैं बच्चों? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद ही मान्य होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक जैसे कि नाम से पता है कि व्यक्ति विशेष का वाचक। परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान अथवा विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा तो महात्मा गांधी ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। रामचरितमानस ये पुस्तक है, पुस्तक विशेष का बोध है। जयपुर जयपुर एक नगर है तो इसे स्थान विशेष का बोध हो रहा है। ताज है एक वस्तु है और वस्तु विशेष का बोध हो रहा है। अब आप सोचते हो तो ताज है वस्तु ये कैसे है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल देखिए प्रथम वस्तु तो ताज है आगरा में है तो आगरा आगरा को स्थान विशेष का बोध हो गया और ताज है वस्तु विशेष का बोध हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसको विकास से संबंधित थोड़ा सा डिटेल से मैं बताना चाहता हूं क्या क्या क्रिया व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे नाम मोहन सोहन नदियों के नाम, किसी कोई भी नदी का नाम हो जैसे यमुना गोदावरी सरस्वती वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर है हिंद महासागर है कोई भी सागर पर्वतों के नाम जैसे हिमालय पर्वत
दिनों महीनों के नाम, पुस्तकों के नाम, ये सारे के सारे किसके आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है तो जातिवाचक संज्ञा। अब आपको जातिवाचक उसके नाम से ही पता चलता है कि क्या हुआ है। जातिवाचक का मतलब संपूर्ण जाति का वो होना। इसका मतलब बच्चों संपूर्ण जाति का वो होना, न कि किसी विशेष वस्तु व्यक्ति का वो होना, न किसी विशेष जात का वो होना, न किसी विशेष पशु का। इनकी संपूर्ण जाति का वो होता है जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। और सीधा इसे पढ़ते हैं, जिन संज्ञाओं से एक जाति की सर्वप्रथम या उनके समूह का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हो सकता। लड़का से मतलब है सभी लड़कों का बोध हो गया, संपूर्ण जाति का बोध हो गया। आगे पर्वत, तो पर्वत के अंदर सभी पर्वतों का बोध हो गया। किसी एक पर्टिकुलर में पर्वत का नाम नहीं लिया जाते, मैंने शब्द लिखा पर्वत, तो पर्वत से सभी पर्वतों का नाम आ गया, एक जाति आ गया। फिर है नदी, नदी से सभी नदियों का बोध हो गया, नहीं एक पर्टिकुलर नदी, सभी नदियों का। इसी तरह से पुस्तक, पुस्तक से सभी पुस्तकों का बोध। तो इसलिए है कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं संपूर्ण जाति का बोध, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब थोड़ा सा बोलते हैं इसके बारे में, जैसे और प्रकार से हम इसकी इसके अंदर क्या क्या और मेंशन किया जा सकता है। जैसे पशु पक्षियों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। प्राकृतिक आपदाएं, इसका से बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते। नेक्स्ट है तो भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों यहां पर देखना भाव, इस टॉपिक के अंदर संज्ञा के अंदर सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुन लेना इसको। भाववाचक संज्ञा, भाव का मतलब होता है भाव जो हमारे अंदर पैदा होते हैं, किसी के प्रति हमारे भाव अच्छे भी होते हैं और किसी के प्रति हमारे भाव बुरे भी हो सकते हैं। यानी क्या होता है, एक फीलिंग्स किस तरह की आती है दूसरे लोगों के प्रति, होता है भाव। परिभाषा देखते हैं, जिस संज्ञा से किसी के गुण अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो भाव या दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो क्या चीज़ है भाववाचक संज्ञा के अंदर, गुण, दोष, भाव, दशा। अब इनके बारे में पढ़ने क्या है। नंबर एक गुण, ईमानदारी, सच्चाई, गुण कोई भी हो वो भाववाचक संज्ञा के। दोष, निष्ठा, बुराई, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब भाव, भाव भी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, जैसे दया, करुणा, क्रोध, किसी के प्रति आपके मन में दया की भावना आती है, किसी के प्रति क्रोध आता है, तो हमारे अंदर जो भावना पैदा होती है, जो भाव आते हैं दूसरों के प्रति, वो होता है भाव। फिर है दशा, अमीरी, गरीबी, अवस्था, बचपन, जवानी। इसका एक आसान सा तरीका जो आपको बताता हूँ भाववाचक संज्ञा का समझने का, ये एक फॉर्मूला है, एक मेथड के अंदर कि भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिनको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। जिस तरह से मैंने ये जो का मेरे आदमी मैंने उसको स्पर्श कर रखा है, छू रखा, पकड़ रखा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं न कि छू सकते हैं। ये सिर्फ मैंने एक ट्रिक बताई है, याद रखने के ट्रिक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से कुछ विद्वान संज्ञा के दो अन्य भेद भी मानते हैं। कितने भेद मानते हैं, दो अन्य, कौन कौन से, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक को समुदाय वाचक भी बोलते हैं। अभी के बारे में क्या समझते हैं, समूहवाचक क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, आप सभी जानते हैं आप कि सेना में समूह का बोध होता है। आगे कक्षा, कक्षा में बच्चों का समूह होता है। सभा,
इसमें भी समूह का रोग होता है, तो जहां पे समूह सूचक शब्द दिखाई दे गया तो मिले वो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक बोलते हैं जिन शब्दों से किसी ठोस या तरल पदार्थों का हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। साइज में आपने कुछ पढ़ेंगे द्रव्यवाचक द्रव्य के बारे में, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, तेल। लेकिन दोनों के दोनों ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं, इसी कारण इनको अलग से नहीं मानते हैं। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद ही स्वीकार किए गए हैं। अगर आपको